नेमावर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब के साथ पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नेमावर पुलिस को मुखबिर ने अवैध शराब तस्करी की सूचना दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नसरुल्लागंज रोड से एक बाइक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बाइक के दोनों ओर झोले में कुल 7 पेटी देशी शराब रखी हुई मिली, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बाइक जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना की तस्दीक हेतु हम टीम के साथ रवाना हुआ है। जैसे ही हम लोग बोरदा काका ढाबा के पहले रोड पर पहुंचे, तो उस खल तरफ से हमें एक व्यक्ति प्लेटिना मोटरसाइकिल से आते हुए दिखा और उसके दोनों तरफ कुछ बोरियां बंधी हुई थी। तो वह व्यक्ति हमको संदिग्ध लगा, जिसको हमने घेराबंदी कर रोका और उसकी तलाशी ली। तो जो बोरियां थी उसमें लगभग 7 पेटी देसी प्लेन मदरा भरी हुई थी। उक्त व्यक्ति ने से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संतोष पिता हरि सिंह पवार, उम्र 31 साल, निवासी राला, तहसील गिरुंदा का होना बताया। उक्त व्यक्ति से उक्त शराब बेचने व ले जाने के संबंध में लाइसेंस से पूछा तो उसने कोई लाइसेंस नहीं होना बताया, जिस वजह से उसका कृत्य आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय है, जिसको हम लोगों ने विधिवत उक्त मसरूका व गाड़ी उससे जब्त की है और उसको गिरफ्तार करके थाने लाए गए हैं, जिसके खिलाफ 34-2 की कार्रवाई की गई है और आगे भी इसमें जांच की जाएगी कि वह व्यक्ति शराब का परिवहन कहां से ले जा रहा था और कहां से उसने खरीदा था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।